क्या दिख रहे हैं, रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री इन प्लेस ऑफ कॉम्पेरेटिव डिग्री। इसका मतलब है कॉम्पेरेटिव डिग्री के स्थान पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके वाक्य को रीराइट करना है। ठीक, अब हम बात करें पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री जो होती है, मतलब जो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। उसके आगे और पीछे एज और एज आते हैं। जबकि कॉम्पेरेटिव डिग्री की बात की जाए तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में अधिकांशतः देन जुड़ा हुआ होता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद देन मिलेगा, जबकि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके आगे और पीछे एज और एज लगा होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उन एग्जाम्पलों में हम सीखेंगे कि कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलना है। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में जब भी आप बदलें तो एक चीज़ याद रखें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये चीज़ आप खास कर याद रखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। और साथ में जब भी पॉजिटिव डिग्री का नाम आता है, जो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन ही जाता है, और साथ में ये चीज़ आती है नेगेटिव वर्डों के साथ, जिसमें हमें नॉट जोड़ना पड़ता है या फिर एनी है तो एनी की जगह पे नो करना पड़ता है। ठीक है, दो चीज़ें आप देखोगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ते हैं या फिर एनी की जगह नो कर देते हैं यदि एनी आ रहा तो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना है और नेगेटिव के साथ रखना है, या एनी आता है तो एनी की जगह नो कर देना है। तो देखते हैं वाक्य कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि जो टालर देन है ये लिखा है कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री को हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री टालर का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है टाल। और टाल हमने बताया ना, पॉजिटिव डिग्री के आगे और पीछे एज और एज चलेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे चेंज होंगे। जयेश आगे आ जाएगा और रवि जो है पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से होगा। अभी तो देखो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह शिफ्ट किया है, और जो टालर देन था उसको एज टाल एज में बदला, और सहायक क्रिया जाकेता लगाई। हमने बताया ना जो नेगेटिव के साथ आती है, जिस वजह से नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो वाक्य हो जाएगा फिर कि जयेश इज नॉट, फिर एज टाल एज, और फिर पीछे चला जाएगा रवि। अगला वाक्य, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर। अब यहाँ मोर कॉस्टली देन लिखा है, जे हट करके इसकी जगह पे आएगा मोर कॉस्टली का फर्स्ट फॉर्म, मतलब पॉजिटिव डिग्री। तो कॉस्टली के जो तीन फॉर्म होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉस्टली, मोर कॉस्टली और मोस्ट कॉस्टली। तीन फॉर्म होते हैं जिनमें से हमें कॉस्टली लगाना है फर्स्ट फॉर्म, मतलब पॉजिटिव फॉर्म लगाना है कॉस्टली। और इसके पीछे हमें पता है आगे और पीछे एज और एज लगाने हैं। ऑब्जेक्ट जो है शुरुआत में चला जाएगा सिल्वर, ठीक है, और गोल्ड जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कर देना है, सहायक क्रिया जाकेता लिखेंगे, और नेगेटिव के साथ जाने वाली है तो फिर नॉट और लिख देते हैं। चलिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है बेंगलुरु इज कूलर देन हैदराबाद। अब यहाँ पे भी देखें, इस वाक्य में कूलर देन लिखा है, कूलर देन को कूलर का जो सेकंड फॉर्म जो लिखा है उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कूल, कूल, कूलर, कूलेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है कूल, और एज कूल एज इस टाइप से आपका वाक्य बनेगा। एज कूल एज ये कहलाएगी पॉजिटिव डिग्री। अब ऑब्जेक्ट को आगे कर देना है, तो ऑब्जेक्ट आगे करने पर हैदराबाद आगे आ जाएगा, फिर बेंगलुरु जो है पीछे चला जाएगा, और फिर साथ में एक चीज़ भी याद रखनी है, सहायक क्रिया जाकेता नेगेटिव के साथ जाती है, ये तो नॉट और जोड़ देना। तो ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लिखा और सब्जेक्ट को बाद में लिखा, और कूलर देन जो था वो एज कूल एज में कन्वर्ट किया है क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म रखना है, और सहायक क्रिया के बाद नॉट भी लगा दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन सोना। इस वाक्य को देखें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने ही हैं। पहली चीज़ जो है वो आप देखा करें कि जो एडजेक्टिव है, जो भी डिग्री है उसे चेंज किस डिग्री में करना, वो डिग्री बना लें।
ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मोर ब्यूटीफुल देन लिखा है, और बनाना है हमें पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ब्यूटीफुल की फॉर्म पता होने चाहिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है पॉजिटिव डिग्री, वो होता है ब्यूटीफुल अकेला होता है, और आगे पीछे एज और एज जोड़ने हैं। तो आगे पीछे हमने एज और एज जोड़ी, और जो है सोना को हमने आगे लिखा, और फिर रीना को हमने पीछे लिखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया, और सहायक क्रिया जो थी वो सहायक क्रिया लिखी, लेकिन नेगेटिव के साथ होते हैं ये वाक्य, तो नॉट भी लिखा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द मून इज कोल्डर देन द अर्थ। सबसे पहले कोल्डर देन, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, तीन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है पॉजिटिव फॉर्म कोल्ड, और इसके आगे और पीछे एज और एज लगाने हैं। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द अर्थ आगे लिख देना है, और फिर द मून जो है वो पीछे लिखना है, द मून पीछे लिखना है, और सहायक क्रिया जाकेता रखनी है, और नेगेटिव के साथ होता है तो नॉट बस जोड़ना है इसमें। अगला सेंटेंस देखते हैं, सोहन इज वेल्दियर देन मोहन। अब यहाँ पे देखो वेल्दियर देन लिखा है, तो वेल्थ, वेल्दियर, वेल्देस्ट जी फॉर्म होते हैं जो, इसका हमें फर्स्ट फॉर्म वेल्थ लिखना होगा, ठीक है, और फिर आगे पीछे एज वेल एज, इस टाइप से बन जाएगा। अब मोहन को आगे लिखा जाएगा और सोहन को पीछे लिखा जाएगा, ठीक है, सोहन को पीछे लिखा जाएगा, और सहायक क्रिया इज और नेगेटिव के साथ जाएगा तो नॉट लग जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। अब देखो हैवियर देन लिखा है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, तीन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता हैवी, तो एज हैवी एज, एज हैवी एज बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट एनी अदर मेटल है, आगे आएगा, और हमने कहा था एनी आता है तो फिर नॉट नहीं लगाते, एनी की जगह नो कर देते हैं, तो फिर बन जाएगा नो अदर मेटल, जो एनी अदर मेटल है वो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, नो अदर मेटल, ये बन जाएगा नो अदर मेटल, ठीक है, और फिर पीछे चला जाएगा लेट, और फिर सहायक क्रिया जो होगी इज जाकेता रहेगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयस लिखा है। अब देखो एनी अदर यहाँ भी आया, सबसे पहली चीज बेटर देन, गुड, बेटर, बेस्ट, तीन फॉर्म होते हैं, एज गुड एज बना लो, एज गुड एज, और एनी अदर वॉयस को जब आगे लाओगे तो एनी हमने बताया नो बन जाता है, नो अदर वॉयस, ठीक है, नो अदर वॉयस, और फिर सहायक क्रिया जाकेता इज और राम को पीछे ले जाना है, ठीक है। अब ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुवचन के साथ सहायक क्रिया लगाई गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है, नो अदर वॉय, कोई भी लड़का नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है, मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, मतलब सहायक क्रिया ही लगी रहेगी। अब हम इसका जस्ट अपोजिट सीखेंगे, जस्ट उल्टा, पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव बनाना। अभी हमने कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव बनाना देखा था, अब उसका उल्टा देख रहे हैं। जैसे वाक्यों में देखते हैं, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। अब देखो वाक्य है और अब पॉजिटिव डिग्री दी गई है, और पॉजिटिव डिग्री को हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव का नाम आता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, और नेगेटिव यदि लगा है तो अब नॉट हटता जाएगा, इनमें हटता जाएगा, एनी नो है, नो अदर है, तो वो एनी अदर बना देंगे, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि पहला है कि इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। सबसे पहले एज बिग एज को कॉम्पेरेटिव में बदलोगे तो बिग का सेकेंड फॉर्म होता है विगर, कॉम्पेरेटिव फॉर्म होता है विगर, और देन हमने बताया इसके पीछे जुड़ा ही होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री के पीछे देन लगा मिलेगा और पॉजिटिव के आगे और पीछे एज और एज लगा मिलेगा। अब आपको क्या करना है, एज बिग एज को कॉम्पेरेटिव फॉर्म में बदलते हैं तो देन और जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी चेंज कर लेने हैं, मुंबई को आगे लिखना है, ठीक है ना, मुंबई आगे लिखा जाएगा और इंदौर पीछे लिखा जाएगा, इंदौर को हमने पीछे लिखा, इसके बाद जो है जो भी सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया, लेकिन अब नॉट नहीं लिखोगे क्योंकि नेगेटिव हट जाता है, अब तो इस टाइप से बनेगा मुंबई इज बिगर देन इंदौर। अगला सेंटेंस देखते हैं, द
इल्डर सिस्टर, ठीक है जी, वाक्य है कि द इल्डर सिस्टर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर सिस्टर, या यंगर सिस्टर की जगह पे यंगर वन लिख देते हैं, ठीक है, मतलब यंगर वन मतलब उसी की बात की गई होगी, एक इल्डर सिस्टर दूसरी होती है यंगर सिस्टर होगी, एक बड़ी बहन एक उसी की छोटी बहन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें सो क्लेवर एज, देखो सो भी बिल्कुल एज की ही तरह होता है, पिछले वाक्य में एज बिग एज आया, यहाँ सो क्लेवर एज आया, सो और एज दोनों एक ही हैं, चाहे सो लगा दो चाहे एज लगा दो कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो सो क्लेवर एज लिखा है, अब आपको इसका सेकंड फॉर्म बनाना है। क्लेवरर शब्द की यदि बात करें तो इसके जो होते हैं फॉर्म, एक है क्लेवरर, ठीक है, क्लेवरर हो जाएगा सेकंड फॉर्म जी, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, तीन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बनाना है वो बनाना है पॉजिटिव फॉर्म बनाना है, तो एज जो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म दिया गया है, सो की जगह एज दिया गया है, लेकिन अब आपको जी हटा करके इसका सेकंड फॉर्म लिखना है, क्लेवरर होगा, ठीक है ना, इसका सेकंड फॉर्म जो होगा क्लेवरर होगा, और देन पीछे आएगा, क्योंकि कॉम्पेरेटिव फॉर्म की जो विशेषता होती है कि उसमें देन जोड़ा होता है। अब जो होगा ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो द यंगर सिस्टर कहें हम, चाहे द यंगर वन कर दें, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि द यंगर सिस्टर, ठीक है, द यंगर सिस्टर, द यंगर सिस्टर, और फिर द इल्डर सिस्टर जो था वो पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा द इल्डर सिस्टर, द इल्डर सिस्टर, और फिर देखते हैं इल्डर सिस्टर, या यहाँ सिस्टर की जगह वन भी किया जा सकता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, जो भी सहायक क्रिया थी आपकी इज, वो सहायक क्रिया आपको जाकिता लिख देनी है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, नॉट हटा दिया है, जो सो क्लेवर एज था उसे क्लेवरर देन पॉजिटिव फॉर्म से कॉम्पेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अगला वाक्य लिखा है, लॉर्ड डलहौजी वाज नॉट सो डेंजरस एज चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ पे देखो सो डेंजरस एज लिखा है, इसको सबसे पहले कॉम्पेरेटिव फॉर्म में जब बदलेंगे तो डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, तीन फॉर्म होते हैं, तो इसका हमने सेकंड फॉर्म लिखा मोर डेंजरस, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म होता है मोर डेंजरस और थर्ड होता है मोस्ट डेंजरस, और देन तो हमने बताया जोड़ना ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर लेना है, तो चंद्रशेखर आ जाएगा अब आगे, ठीक है ना, चंद्रशेखर होगा आगे, इस चंद्रशेखर आजाद पूरा लिखा हमने, फिर इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो सब्जेक्ट था वो चला जाएगा पीछे, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ये हो गया है, पीछे ऑब्जेक्ट बन गया है, जो सहायक क्रिया थी वाज वो जाकिता लिखोगे, लेकिन अब जो है नॉट नहीं लिखा जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, औरंगजेब वाज नो सो ब्रेव एज अकबर। अब यहाँ पे नोवस लिखा गया, नोवस से काम चल गया है, अब सो ब्रेव एज जो लिखा गया है इसका हमें सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है इसका सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है ब्रेव का, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, तीन फॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ पे ब्रेवर होता है सेकंड फॉर्म, ब्रेव में आर और जोड़ दो ब्रेवर, और फिर देन तो जोड़ा ही जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दो, अकबर जो है अब शुरुआत में आ जाएगा, और औरंगजेब जो है अब लास्ट में चला जाएगा, औरंगजेब अब पीछे लिखा जाएगा, ठीक है, और जो वाज सहायक क्रिया है वो जाकिता, लेकिन अब जो है नेगेटिव नहीं होगा वाक्य, इस टाइप से फुल स्टॉप लगा दो, वाक्य बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, सुदीप इज नॉट एज टाल एज मोहन। अब यहाँ पे देखो एज टाल एज, सबसे पहले इसको बदलो, तो एज टाल एज को कैसे बदला जाएगा, सेकेंड फॉर्म टाल टालर टालेस्ट, तीन फॉर्म होते हैं ना, टाल टालर टालेस्ट, तो टालर लिखना है, टालर पॉजिटिव फॉर्म से कॉम्पेरेटिव फॉर्म बना लिया हमने, पॉजिटिव फॉर्म जी है जी कॉम्पेरेटिव फॉर्म, और देन और जोड़ना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेंज करने हैं, मोहन को आगे लिखना है और फिर सुदीप को पीछे लिखना है, सुदीप को पीछे लिखा और सहायक क्रिया जो थी वो सहायक क्रिया लगा दी, लेकिन अब नॉट नहीं लिखा। अगला सेंटेंस देखते हैं,
The earth is not as big as the sun. इस वाक्य को देखें, एग विज एग बिग एस, तो यहाँ पे बिग के तीन फॉर्म पता होने चाहिए, बिग बिगर बिगेस्ट, तो बिगर होता है सेकंड फॉर्म, कॉम्पेरेटिव फॉर्म होता है बिगर, और बिगर के बाद देन लगाया ही जाना है, द सन आगे आ जाएगा, अब द सन और द अर्थ चला जाएगा पीछे, द अर्थ होगा आप पीछे, और सहायक क्रिया इज जाकेता होगी, ठीक है, तो वाक्य बन जाएगा द सन आगे आ गया है, इस सहायक क्रिया एज बिग एज बिगर देन में बदल गया है कॉम्पेरेटिव में, द अर्थ पीछे चला गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, राम इज नॉट एज हैंडसम एज श्याम। अब इस वाक्य को बनाना है, तो हैंडसम के फॉर्म पता होने चाहिए, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ये होते हैं फॉर्म इसके, तो यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म हमने लिखा, मोर हैंडसम होता है सेकंड फॉर्म, मोर हैंडसम, और देन लगाया जाना है, आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर श्याम, श्याम को हम आगे लिखेंगे, और राम जो है सब्जेक्ट था जो पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सहायक क्रिया इज जाकेता लगा देंगे, इस टाइप से वाक्य बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आगे लिखा, सहायक क्रिया लिखी, अब नॉट नहीं लिखा, फिर इसका कॉम्पेरेटिव फॉर्म मोर हैंडसम लिखा, और देन लगता ही है, फिर पीछे लेगा सब्जेक्ट,